चाणक्य के समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना। ये योजना चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके मसौदे को अभी अभी स्वीकार किया गया है और ये गोवा राज्य से संबंधित है। इस पर विवाद हो गया है क्योंकि कुछ समूह इससे नाराज हैं। तो इस पूरे टॉपिक के दौरान हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, इस मसौदे में क्या क्या बातें कही गई हैं, तटीय क्षेत्रीय प्रबंधन क्या होता है, इसके लक्ष्य चुनौतियां क्या होते हैं और जो समूह नाराज हैं उनकी नाराजगी कितनी जायज़ है। तो इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना का मसौदा आया है जिसे नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट जो कि चेन्नई बेस्ड है ने तैयार किया है और इसे केंद्र ने अनुमोदित कर दिया है। इसके बाद एक विशेष समूह है जो इससे नाराज है। नाराजगी का कारण ये है कि गोवा जो भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसकी तटीय रेखा 105 किलोमीटर है, वहाँ के लिए जो मसौदा आया है उस पर मुख्यतः तीन मुद्दों को लेकर वहाँ के कुछ समूह नाराज हैं। पहला है ड्राफ्ट का जवाब देने की अवधि और दूसरा है समुद्र तट क्षेत्रों का पुनर्जोनिंग और तीसरा है कथित अवैध निर्माण को शामिल करना। मोटा माटी इन तीन मुद्दों पर वहाँ के कुछ समूह इससे नाराज हैं। अब हम देखेंगे कि तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना यानी कि कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या क्या कहा गया है, कहाँ से ये आता है। तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक अधिसूचना लाई थी 2011 में। इसमें कहा गया था कि वह तटीय इलाकों के जो लोग हैं, वहाँ के जो मछुआरा वाला समूह है, मछुआरे हैं, वहाँ के जो सामान्य लोग हैं उनकी आजीविका को पूरी तरह से सुरक्षित करना चाहते हैं और साथ ही में वो चाहते हैं कि तटीय इलाकों का पूर्ण रूप से संरक्षण हो, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। ये उनका उद्देश्य था ये अधिसूचना लाने के पीछे। और ये अधिसूचना लाने के बाद तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2011 ने देश के तटीय हिस्सों और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर बाकी सारे राज्यों को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो अपने अपने राज्यों के कोस्टल एरिया का सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करें। इसके लिए सभी राज्यों को बोला गया कि वो अपने राज्यों में तटीय विनियमन क्षेत्र बनाने के लिए एरिया को सुनिश्चित करें और उसको बनाएं और उस पे अपने अपने विचार दें। और इसमें उन्होंने कहा कि जो तटीय विनियमन क्षेत्र होंगे वहाँ पर किसी भी ऐसे उद्योग का संचालन प्रक्रिया और स्थापना विस्तार नहीं हो सकता जो कि कोस्टल एरिया के लिए ठीक नहीं है, ना ही किसी खतरनाक पदार्थ की हैंडलिंग वहाँ हो सकती है, ना ही उनका भंडारण हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों से कोस्टल सीआरजेड जो है मुक्त होने चाहिए, ये इसमें कहा गया था। तो इसी पे गोवा राज्य ने काम करना शुरू किया और गोवा ने इसके लिए 2014 में एक मसौदा बनाया जो कि NCSCM चेन्नई के द्वारा बनाया गया था। इसी मसौदे को लेकर पूरा विवाद इसमें हो गया। इसके अलावा संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी निर्देश दिया गया था कि सीआरजेड क्षेत्रों की पहचान और वर्गीकरण करके वो अपने अपने राज्य के अंदर कोस्टल मैनेजमेंट कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम तैयार करे। इसी पर बेस्ड जो है ये प्रोग्राम गोवा का लाया गया और इसी पे बेस्ड ये मसौदा भी है। इसको 2021 की शुरुआत में सार्वजनिक कर दिया गया था और इस कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य ही यही था कि कोस्टल एरिया का मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से किया जाए कि वहाँ जो मछुआरे समुदाय हैं और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको असुविधाएँ ना हों, आर्थिक दिक्कतें ना हों और वहाँ किसी भी तरह का अवैध कार्य इस तरह का ना किया जाए जिससे कि कोस्टल एरिया का संरक्षण प्रभावित हो। तो इसी को लेके ये बनाया गया था। अब हम देखेंगे कि एक जो समूह है वो इससे नाराज क्यों है। ये जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम का मसौदा है जिसे अनुमोदित कर दिया गया है उससे गोवा का एक विशेष वर्ग नाराज क्यों है। पहला है समय सीमा को लेकर विवाद है। कुछ पर्यावरणविद, स्थानीय निकाय और कुछ
राजनीतिक दल इसका विरोध मुख्यतः कर रहे हैं। उनका कहना है कि MIF द्वारा गठित गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण को जो सूचित किया गया था कि मसौदे के लिए जो सुझाव और आपत्तियां देने की समय सीमा है वो 60 दिन की होनी चाहिए, लेकिन कानूनी रूप से जो 60 दिन की समय सीमा है उसका उल्लंघन किया गया है और 30 दिन में ही सुझाव और आपत्तियां मांगी गई है जो कि कानून के खिलाफ है। तो पहला उनकी आपत्ति इसी चीज पर है। उनका कहना है कि लोगों को 30 मार्च 2021 से पहले विस्तृत लिखित आपत्तियां दर्ज करने का अधिकार है, जो अधिकार उनसे छीन लिया गया है। दूसरी जो आपत्ति है वो कुछ कोस्टल इलाकों को लेके हैं, जैसे कि केरिम, पलोलेम, कोला जैसे समुद्री तटीय क्षेत्रों को इसके अंदर बिना जोनिंग के ही शामिल कर लिया गया है, कि जो कि कानूनी आधार पर सही नहीं है। इन एरिया की जोनिंग यानी कि पुनः जोनिंग नहीं हुई है और वहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि जो जोनिंग की गई है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो ये दूसरी आपत्ति है। तीसरी आपत्ति है कि इसके नक्शे सार्वजनिक किए गए हैं। नक्शे सार्वजनिक करने से पहले जन सुनवाई होनी थी और जन सुनवाई में बहुत सारे सुझाव और वगैरह आपत्तियाँ ये सब आनी थी। तो वहाँ के स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि इन्होंने जो नक्शे शामिल किए हैं उसके अंदर जो सुझाव हमने बताए थे वो सारे शामिल ही नहीं हैं। पहले जो नक्शे थे जिनके अंदर बहुत सारी गलतियाँ थी, उन्हीं गलतियों के साथ ये नक्शे प्रकाशित हो गए हैं। ये तीसरी उनकी आपत्ति है। इससे भी लोग वहाँ के नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अंदर ये भी कहा गया है कि इसके मसौदे में कई अवैध निर्माणों को दिखाने के लिए जो परिवर्तन किए गए हैं वो परिवर्तन ड्राफ्ट के लिए सही नहीं है, वो ड्राफ्ट पे अप्रत्यक्ष प्रभाव डालेंगे। 254 नए नक्शे बनाए गए हैं जिसमें राज्य के कुछ एरिया को शामिल ही नहीं किया गया है। ये आपत्तियां कुछ वहाँ के स्थानीय निवासियों जो कि एनवायरनमेंट से संबंधित लोग हैं वो और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि आखिर तटीय क्षेत्र प्रबंधन होता क्या है। परिभाषा के रूप में अगर देखें तो तटीय क्षेत्र प्रबंधन शासन की एक प्रक्रिया है। इसमें कानूनी और संस्थागत दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। कानूनी और संस्थागत ढांचे यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं कि तटीय क्षेत्रों का प्रबंधन अच्छे से हो, उनका संरक्षण हो और उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके लिए प्रबंधन योजनाएं बनाई जाती हैं, विकास योजनाएं बनाई जाती हैं, पर्यावरण एवं सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे विकास कार्य किए जाते हैं। ये इसके प्रबंधन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये जो तटीय क्षेत्र प्रबंधन है इसके मुख्य लक्ष्य क्या होते हैं, किन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तटीय क्षेत्रों का प्रबंधन किया जाता है। तो इसका मुख्य लक्ष्य संरक्षण, विकास, वृद्धि और जहाँ तक संभव हो इस प्रबंधन को बहाल करना है। यानी कि जो प्रबंधन वो बना रहे हैं उसको 100% वो अचीव कर ले, यही इनका लक्ष्य होता है। इसके अलावा तटीय क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए लाभों को अधिकतम करना और संसाधनों, पर्यावरण पर गतिविधियों के हानिकारक प्रभावों को कम करना, ये कुछ इसके लक्ष्य होते हैं। इसके अलावा सेक्टोरल गतिविधियों के बीच संबंधों को बढ़ाना और पारिस्थितिकी रूप से स्थानीय फैशन में तटीय क्षेत्र के विकास का मार्गदर्शन करना। यानी कि यहाँ फैशन से, स्थानीय फैशन से मतलब है कि जो वहाँ का चलन है, जो वहाँ का प्रचलन है, उस प्रचलन की सहायता से उस क्षेत्र के लिए विकास का मार्गदर्शन करना, यानी कि ताकि वहाँ के लोगों को भी प्रॉब्लम ना आए और वहाँ का विकास भी हो पाए। इसके अलावा विकास और प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करना, यानी कि विकास करना तो बहुत ज़रूरी है और वहाँ के संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करना और संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे का विकास हो और उसके अलावा किसी का नुकसान ना हो, इसका प्रबंधन करना भी इनका एक लक्ष्य है। लेकिन इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। आइए अब हम देखेंगे कि चुनौतियाँ क्या क्या हैं। सबसे पहली चुनौती तो यही है कि तटीय प्रणालियों के भीतर अंतर संबंधों की सराहना करने में विफलता है। दूसरी ये है कि अपर्याप्त कानून ही नहीं है और परिवर्तन की कमी है। जो कानून बने हुए हैं उनको तोड़ मरोड़ दिया जाता है, उनका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चुनौती ये है। तीसरी ये है कि तटीय क्षेत्र प्रबंधन में सीमित समझ है, यानी कि तटीय क्षेत्र प्रबंधन से जो लोग जुड़े होते हैं
शायद उनके जो जोड़ने की प्रक्रिया है उसी में कहीं ना कहीं कमी है, तो लोगों में समझ का अभाव और एक्सपीरियंस की कमी होती है। उसके अलावा तटीय और समुद्री प्रक्रियाओं की सीमित समझ भी एक चुनौती है। इसके साथ ही प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है, प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों की कमी है और उपकरणों की भी कमी है। अगर ट्रेंड जो कर्मचारी नहीं होंगे, अगर हमारे पास एक ऑथेंटिक टेक्नोलॉजी नहीं होगी या फिर हमारे पास जो इक्विपमेंट चाहिए, जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं होंगे, तो ये काम नहीं हो सकते, वो फिर चीज़ें कागजी होकर रह जाती हैं। तो ये सारी चुनौतियाँ इसके सामने हैं। अब तटीय क्षेत्र प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के दो सेट पर आधारित है। पहला जो सेट है वो रियो घोषणा से लिया गया है, जो कि पर्यावरण और विकास से संबंधित है, और दूसरा इसका जो सेट है वो जैव भौतिक प्रकृति से पर आधारित है। तो इसके साथ ही इस टॉपिक के बारे में हमने लगभग सारी बातें कर ली हैं। बस थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगी तटीय क्षेत्र प्रबंधन अधिनियम के बारे में। वैसे तो अधिनियम आए और उसके बाद उनमें संशोधन भी हुए हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इस अधिनियम को 1972 में पारित किया गया था, और इसकी वजह सीधी सी है कि तटीय क्षेत्रों में निरंतर जो वृद्धि के सामने चुनौतियां पेश हो रही हैं उनको कम करना और उस क्षेत्र का प्रबंधन करना। इसके लिए नेशनल ओशन सर्विस स्थापित किया गया, और इसी के द्वारा जो है ये तटीय क्षेत्र प्रबंधन का जो काम है वो औपचारिक रूप से संभाला जाता है, प्रशासित किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि तटीय संसाधनों का संरक्षण, विकास, वृद्धि और उनको पुनर्स्थापित किया जा सके और उसको एज इट इज़ बनाया जा सके, ताकि जो है वो कम प्रभावित हों और वो स्वस्थ और सही बने रहें। तो ये टॉपिक हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है इस तटीय क्षेत्र प्रबंधन से संबंधित। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न। आज का जो प्रश्न है वो है तटीय क्षेत्र प्रबंधन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तटीय क्षेत्र प्रबंधन शासन की एक प्रक्रिया है, इसमें कानूनी और संस्थागत ढांचे शामिल हैं। कथन दो, कानूनी और संस्थागत ढांचे यह सुनिश्चित करते हैं कि तटीय क्षेत्रों के लिए विकास और प्रबंधन योजनाएं पर्यावरण तथा सामाजिक लक्ष्यों के साथ एकीकृत हो सके। उपरोक्त में से असत्य कथन है, आपको गलत कथन के बारे में बताना है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा, आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा। अब हम देखेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है बी। इसमें पूछा गया था कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है उससे संबंधित कथन थे, और आपको बताना था दोनों स्टेटमेंट में से सही कौन सा है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट बी है ये सही है। ये जो 98 बताया जा रहा है ये असल में 94 है। 1994 में भारत सरकार ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था, तो इसका सही उत्तर बी है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। और हमारे इस वीडियो और अन्य वीडियो के PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।